जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। केरल और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में अचानक से संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। केरल में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना का नया रूप डेल्टा दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसके चलते उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को आग्रह करते हुए कहा कि 104 देशों तक पहुंचने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना के रूपों में सबसे अधिक हावी हो सकता है। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक 13-14 जुलाई की मध्य रात्रि को अरनिया सेक्टर में एक लाल बत्ती दिखाई दी, जिसके बाद तैनात जवानों ने उस लाल रोशनी पर निशाना साधते हुए फायरिंग की और वह तुरंत वापस लौट गया। फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह सचिव को उनके खिलाफ जैव हथियार टिप्पणी के लिए लगाए गए देशद्रोह के आरोप को हटाने का निर्देश देने की मांग की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कल तक कोरोना वायरस के लिए 19,15,501 सैंपल टेस्ट किए गए, वहीं कल तक कुल 93,59,73,649 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन जलालाबाद के अलग अलग सर्कलों से संबंधित आंगनवाड़ी वर्करों ने जलालाबाद के कांग्रेसी विधायक रमिंदर आवला के गुरु हरसहाय के आवास समक्ष धरना लगा दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमें लगता है कि 25-26 जुलाई से 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल आधी संख्या के साथ खोल दिए जाएंगे। 15 अगस्त तक सब ठीक रहा तो नीचे की कक्षा के स्कूल भी खोले जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,792 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 624 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 429,946 है। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत। हाँ, नाल ही दोस्तों पेज लाइक करने के लिए इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी दे उते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज, पंजाब दी आवाज अजीत।